छतरपुर में एक महिला माइनिंग विभाग की टीम से ट्रैक्टर छुड़वाकर भाग गई। महिला की दबंगई का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के सटई रोड पर माइनिंग विभाग ने अवैध रेत से भरा ट्रैक्टर पकड़ा था। ट्रैक्टर जब्त होने की जानकारी मिलते ही उसकी मालिक सुनीता तिवारी वर्दीधारी पुलिस वालों से दबंगई कर अपना ट्रैक्टर छुड़वाकर वहां से निकल गई। महिला की दबंगई देखकर माइनिंग विभाग के अधिकारी भी हैरान रह गए और मूक दर्शक बनकर पूरा तमाशा देखते रहे। हालांकि इसके बाद महिला शिकायत करने सिविल लाइन थाना पहुंची, जहां उसने माइनिंग विभाग के इंस्पेक्टर पर 20,000 की घूस मांगने के आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई। वहीं दूसरी तरफ महिला के आरोपों पर माइनिंग विभाग के अधिकारी कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। मेरा घर पे ट्रैक्टर खड़ा था, मैंने ये गया स्कूटी से ये तिवारी, तो मैंने ये खनिज विभाग तिवारी, तो मैंने पूछा कि आप कौन हो। मैं उसी ट्रैक्टर पर बैठी थी, धूप था, तो मैंने कहा कि ट्रैक्टर क्यों ले जा रहे हो, तो बोले नहीं और तुम क्या करोगी मदद। तो मैंने कहा गाली ना दो, अब इन्हें मोबाइल छुड़ा लिया, तो अब ये आ गए रोड पे। मैं पीछे पीछे चली गई, फिर मैं ट्रैक्टर पर बैठी रही। ये दो बैठ गए होमगार्ड वाले, अब बस फिर हमने लड़का आया तो उसने बैठ के अपना घर ले गए। अब हमें ये पता नहीं था, बोले थाने आओ, अब इन्हें थाने बुला लिया। और जैसे वहाँ ट्रैक्टर नहीं, मैंने ट्रैक्टर हाँ मेरा ट्रैक्टर था, मेरे यहाँ बालू आए, मेरा ही है, मेरे लड़की की शादी है। अच्छा। तो मैं लैट्रिन बाथरूम बनवा रही थी, वहाँ कारीगर भी लगा है, अभी भी लगा है। तो जैसे और ट्रैक्टर लगे हैं तो वो क्यों नहीं ले आई ये ट्रैक्टर। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।